दिसंबर 2012 में ज्योति सिंह के साथ हुए रेप के बर्बर घटना ने एक बार के लिए लोगों की अंतरात्मा को झंझोर दिया। इस घटना के बाद कांग्रेस सरकार ने कई कदम उठाए थे। इनमें एक कदम था हर समय मतलब 24 घंटे महिलाओं जहां भी हैं मुश्किल पड़ने पर 181 पर फोन कर मदद मांग सकती हैं। किसी भी तरह की घटना हो उनके साथ, कोई भी मतलब कि अप्रिय घटना जैसे कुछ भी हो, एक्सीडेंट हो या मारपीट हो या छेड़खानी हो या बलात्कार हो, छोटी बड़ी जो भी मतलब की घटनाएं होती हों, कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि महिला के लिए हेल्पलाइन संख्या मौजूद है? हेल्पलाइन संख्या मौजूद है लेकिन अभी हमको पता नहीं है। मुझे हेल्पलाइन नंबर का पता है बट नंबर मुझे नहीं पता है उसका। हाँ मैम, मैं जानती हूँ महिला हेल्पलाइन संख्या मौजूद है। जहाँ आपको मदद की जरूरत है तो हेल्पलाइन क्यों नहीं बुलाया? नहीं, मुझे पता नहीं था इसलिए। कहीं दिखाई नहीं दिया ऐसा हेल्पलाइन, बस नंबर सब जगह लिखा रहता है हेल्पलाइन नंबर पुलिस में। फरवरी 2018 में हमने 11 राज्यों से 400 से ज्यादा महिलाओं के साथ सर्वे किया, ये जानने के लिए कि क्या वे महिला हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानती हैं। केवल 27% महिलाओं को इसके बारे में मालूम था। यदि आप परेशानी में हैं तो आप सहायता के लिए कहां जाएंगे? पुलिस के पास, लेकिन वहां भी जाने के बाद कुछ नहीं होता है। पुलिस पे भरोसा तो करते हैं बट कभी कभी ये होता है डायल 100 नंबर नहीं लगता है, बट केस मतलब लेते नहीं है, रजिस्टर ही नहीं करते हैं वो लोग केस। आपको जितने कॉल आते हैं उनमें से कितने के मामले दर्ज किए गए हैं? जो मामले दर्ज करने लायक होते हैं उनमें मामले दर्ज हो जाते हैं, जो समझाने वाले होते हैं उनमें समझाए दे देते हैं। थाने गए थे पुलिसों के, क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे वही रिपोर्ट लिखवाने के लिए बोल रहे थे तो वो लोग लिख नहीं रहे थे, तो कह रहे कि हमको समझाने लगे कि बेइज्जती होगी तो मुकदमा आते ही फंस जाएंगी, ऐसे ऐसे कई समस्या करने लगे। आने आने से कहीं मां का कोई सुरक्षा नहीं है घर का और बिगड़ जाता है, जैसे अपन देहात में देखें तो औरत थाने चली गई ना तो घर वाले उसको बहुत बुरी नजर से देखते हैं कि तुम थाने तक चली गई, घर ही पे निपटा लेते हैं। अगर आपके साथ जो घटना घटी थी तो सबसे पहले आप किसको बताए थे? घर साथ में थे घर के लोग तो उन्हीं को बताए थे। घर वालों का व्यवहार कैसा था? वो लोग सपोर्ट दिए, पे चौकी पे कहाँ सुनवाई होने वाला है। एक तरह से हम लोगों को मतलब महिलाओं को हर तरह से दबा दिया जाता है कि नहीं मतलब पुलिस के पास जाने से बेइज्जती होगी या इस तरीके का कुछ। अब कभी जरूरत लगेगी मदद की तो आप हेल्पलाइन या पुलिस पर भरोसा करेंगी? अब भरोसा क्या, एक बार तो हो गया, थोड़ा सा तो डर बैठ ही गया है कि किसकी मदद ले किसकी न ले, जब वहाँ भी सुनवाई नहीं हुआ तो क्या भरोसा है। महिला सशक्तिकरण की शुरुआत तब होगी जब उनके पास समर्थन और मदद के लिए एक व्यापक नेटवर्क होगा, हेल्पलाइन से लेकर पुलिस और न्याय तंत्र तक। उन्हें ये विश्वास होना चाहिए कि अगर वो आवाज़ उठाएंगी तो उन्हें मदद मिलेगी।